देखिए H2 plus H2 gives NH3, ठीक है। इसमें हमारा सवाल है identify reactant and product, ये पहला सवाल है, ठीक है। What does this sign, arrow sign, indicates? Name the process of indicated by above reaction. ऊपर वाले रिएक्शन का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे प्रश्न हो गए, देखिए N2 plus H2 gives NH3, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ के क्या बना है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगे, रिएक्टेंट। एरो साइन के पीछे वाला जो है ना, वो रिएक्टेंट है, ये इसका पुछी के पीछे रिएक्टेंट है, और इधर क्या है, प्रोडक्ट। तो आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया आपका N2 plus H2, ठीक है। रिएक्टेंट इज, उसी में अब पूछा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, इज NH3, NH3 मतलब अमोनिया, ठीक है। सवाल देखते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, बताएं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है, पीछे है मतलब रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बन रहा है। इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ये एक और काम करता है, इट सेपरेट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये किसको सेपरेट करता है, इट सेपरेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, नेम द प्रोसेस इंडिकेटेड बाय एबव रिएक्शन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिया के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैवर्स प्रोसेस। आपको नहीं पता था ये सवाल पूछा जाता है, और आप इसको पता रखें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नेम द प्रोसेस इंडिकेटेड बाय एबव रिएक्शन, हैवर्स प्रोसेस। समझ में आ गई बात, अच्छा।